आज हम आपको योग मुद्रा आसन करने की विधि, उसके लाभ तथा इसे करने में क्या सावधानियां बरतनी हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। योग मुद्रा आसन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित अवस्था के साथ इन सब योगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगुना लाभ मिलेगा। साथ ही इन योगिक अभ्यास को बहुत बार करने की जरूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहां पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। योग मुद्रासन करने के लिए सबसे पहले पद्मासन लगाएं। दोनों एड़ियां नाभि के नीचे मिलें। दोनों हाथों को पीछे पीठ की ओर ले जाएं और बाईं कलाई को दाहिनी हाथ से पकड़ लें। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लें। कमर सीधी, श्वास भरते हुए छाती तानें। हाथों को जोर से नीचे की ओर खींचें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर कमर से इस प्रकार झुकाते जाएं कि पूरा मेरुदंड सीधा रहे। ध्यान रहे, गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। प्रयास करें कि आपका माथा जमीन से लगे। कुछ क्षण बाह्य कुंभक में रुकें, तत्पश्चात श्वास लेते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आएं। फिर यही क्रिया दूसरे हाथ की कलाई को पकड़कर करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों कलाई से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। योग मुद्रा कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम अवश्य करें। विश्राम के लिए यह 2 स्थितियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी को संपूर्ण विश्राम मिलता है। योग मुद्रा के प्रतिदिन के अभ्यास से अग्नाशय अर्थात पैंक्रियास पर गहरा असर पड़ता है। इस आसन के अभ्यासी को मधुमेह होने का डर कम ही रहता है और जिन्हें यह बीमारी हो चुकी है, इस बीमारी के नियंत्रण हेतु यह एक अच्छा आसन है। इस आसन से टांगों और पिंडलियों में जमा हुआ मल उखड़ता है। टांगों के पुट्ठे मजबूत होते हैं। पाचन यंत्र पुष्ट होता है। आमाशय, यकृत, क्लोम, प्लीहा, आंत, अग्नाशय प्रभावित होते हैं। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है। रीढ़ की हड्डी, स्नायुओं व कमर की पेशियों को लाभ मिलता है। जोड़ों के दर्द में भी लाभदायक आसन है। इस आसन के अभ्यास से मोटापा कम होता है और पेट, कमर, जांघ की चर्बी कम होती है। हृदय तथा फेफड़े मजबूत होते हैं। बालों की वृद्धि में भी यह आसन मदद करता है। चेहरा सुंदर व कांतिमय होता है। इस आसन के अभ्यास से चूंकि रक्त मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होता है, जिससे मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज बनती है। नेत्र रोग में भी यह लाभप्रद आसन है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम होता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। गर्भाशय, मलाशय, प्रजनन अंग, मूत्र संस्थान से संबंधित अंग पुष्ट होते हैं। मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है, जिससे भूख खुलकर लगती है। इस आसन का अभ्यासी दिन प्रतिदिन युवा अवस्था को प्राप्त करता है। तनाव, अवसाद आदि मानसिक रोगों में भी यह लाभप्रद आसन है। पैर अत्यंत मजबूत बनते हैं तथा शरीर की लचक में वृद्धि होती है। अभ्यासी दृढ़ निश्चयी तथा स्थिर प्रज्ञ बनता है।
योग मुद्रा आसन। योग का अभिप्राय जागरूकता से है और मुद्रा का अर्थ स्थिति या पोज से है, क्योंकि इस आसन में अभ्यासी की जागरूकता और दृढ़ हो जाती है और एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए इसे योग मुद्रासन नाम दिया गया है। इसे अंग्रेजी में द साइकिक यूनियन पोज भी कहा जाता है। योग मुद्रा आसन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत तथा आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होता है। रीढ़ की हड्डी के गंभीर रोगी, घुटने, कमर, कलाई में चोटग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप, हृदय के रोगी, उच्च तनाव से ग्रस्त व्यक्ति भी इस आसन के अभ्यास से बचें। गर्दन व पीठ की दर्द से परेशान रोगी भी इस आसन को न करें। हार्निया तथा पेट के मांसपेशियों में दर्द से परेशान व्यक्ति इस आसन को न करें। जिनकी पिछले एक वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन को न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन को न करें। योग मुद्रा मध्यम कठिनाई का आसन है, अतः किसी योग्य गुरु के सान्निध्य में ही इसे सीखें। इस आसन को सहजता के साथ करें, जितना आराम से आगे झुक सकते हैं उतना ही झुकें। कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें तथा विश्राम के पश्चात पीछे झुककर करने वाला कोई भी आसन करें। तो यह था योग मुद्रासन, योग करने की विधि व लाभ।